नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। कार्यपालक पदाधिकारी आलोक कुमार ने नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में किए गए विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। श्री बंशीधर नगर से खबर है। अनुमंडल पदाधिकारी सह नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी आलोक कुमार ने नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में किए गए विकास कार्यो का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीसीसी पर नाली का पटिया समेत 5 योजनाओं का जांच किया। वार्ड नंबर 3 पोस्ट ऑफिस के सामने बाकी नदी के पास बनाए गए पीसीसी पथ निर्माण का जायजा लिया। इसी क्रम में वार्ड नंबर 2 स्थित महमूद आलम के घर से लेकर इमरान खान के घर तक तथा निजाम खान के घर से लेकर इदरीश खान के घर तक बनाए गए पीसीसी पथ की जाँच की गयी। जाँच के क्रम में एसडीओ ने संबंधित वार्ड पार्षदों से पूछताछ की और निर्माण कार्य की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में आधा दर्जन योजनाओं की जांच की गई। जांच के क्रम में संवेदक द्वारा कार्य में अनियमितता बरती गई है। उन्होंने कहा कि संवेदक द्वारा कार्य को पूरा कर लिया गया है, लेकिन जांच में पता चला कि एस्टीमेट के अनुरूप कार्य को नहीं किया गया। हालांकि सभी संवेदक को कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करने की हिदायत दी गई थी, बावजूद इसके जानबूझकर इस प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के बिल में कटौती कर कार्यवाही की जाएगी। मौके पर नगर प्रबंधक रवि कुमार, जी उदय शंकर यादव, वार्ड पार्षद रंजन कुमार उर्फ छोटू, नीरज कुमार, शकील अहमद उर्फ गुल्लू सहित लोग मौजूद रहे। काफी सारी योजनाएं, 5 से 7 योजनाओं का हमने जांच किया है। नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सड़क निर्माण, नाली निर्माण या पटिया निर्माण का हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, तो हमने जांच किया है। कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोगों को जांच के अनुरूप होना चाहिए था, जो हमारा टेंडर के अनुरूप होना चाहिए था, नहीं हुई है। तो उसमें जो रिस्पेक्टिव कार्रवाई है, फाइनेंशियल और क्या कहते हैं जो टेक्निकल है, सारा हम लोग करेंगे। हम लोग पेमेंट जो उनका है भुगतान कार्ड की पेमेंट करेंगे, जितना काम नहीं है। और आपके माध्यम से मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसा मैं खुद भी आगे भी करने वाला हूँ। जो भी नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर कार्य हो रहे हैं तो सुचारू रूप से और अच्छी तरीके से हों, इसके लिए मैं खुद ही जांच किया करूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा अनियमितता तो मिली है कि सड़क का निर्माण सही से नहीं किया गया है या नाली का निर्माण सही से नहीं किया गया। इसमें जो भी जिम्मेदार है हम लोग उसको कार्रवाई। गढ़वा आयुर्वेदिक शॉपी, यहाँ सभी प्रकार के बीमारी जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, लकवा, डिप्रेशन, पथरी पाइल्स, स्किन एलर्जी, तलवे में जलन, मोच का दर्द, साइटिका प्रॉब्लम, आँखों में जलन, कमर दर्द इत्यादि सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति के द्वारा किया जाता है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है नीलांबर पीताम्बर पार्क के सामने, पूर्व मंत्री ददई दुबे के आवास के बगल में, गढ़वा।